प्रकाश देखने वाले सभी दर्शकों को अरविंद शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आइए हम आपकी आज ऐसे शख्स से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्ति हैं। पहले पूर्व में वो INLD में रहे और अब इन्होंने कांग्रेस में एंट्री करी है और एक भारी हजूम, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो उनके समर्थक हैं वो उनके साथ INLD को छोड़कर कांग्रेस में एंट्री कर चुके हैं। और एक जैसे ही इनकी कांग्रेस में एंट्री हुई है तो BJP और अन्य पार्टियों में काफ़ी खलबली मच चुकी है कि अशोक अरोड़ा जी इतने भारी हजूम से कांग्रेस में एंट्री कर रहे हैं और इलेक्शन में दोबारा से एक शेर लौट आया है। आइए हम सीधी बातचीत करते हैं अशोक अरोड़ा जी से। नमस्कार सर, इस हिसाब से आपकी कांग्रेस में धमाकेदार एंट्री हुई और इतना लाखों की हजूम में दो लाखों समर्थक आपके साथ एक ही आवाज समर्थ कम्प्लीटली एकत्र हो चुके हैं, तो आपका क्या रुझान कह रहा है इस बार इलेक्शन में? देखिए, मैंने तो 40 साल से ज़्यादा चौधरी देवदार चौधरी राष्ट्रकाला में पार्टी में और क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियाँ होने के बाद पार्टी मजबूत थी, तो उसके बाद मेरे समर्थकों का, मेरे आने वाले का, मेरे हल्के के लोगों का दबाव था कि आप कांग्रेस पार्टी में, मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की सिंपल कार्यकर्ता के रूप में और मैं तो आज के दिन दोनों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो जिम्मेवारी मेरे को लगाएगी मेरे को चाहेगी कि मैं यहाँ से तरह से चुनावों में दूर रहूँ। और जहाँ तक आज हवा की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल और केवल लोगों को नारों तक सीमित रखा था, एक कार्रवाई की इस तरह के नारे देकर लोगों को बहकाने का काम किया, इसी वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया। और यही कारण है कि आज चुनाव के अंदर लोग BJP सरकार को बदल रहे हैं। सर, अगर हम बात करें कि BJP की एक तरफी हवा भी है, लेकिन उसके बावजूद जब से आपकी एंट्री हुई है, जब से आपने धमाकेदार एंट्री करी है, तब से हर पार्टी में, BJP में भी और हर जगह एक हलचल सी हो गई है, सारी खलबली सी मच गई है। जैसे कि एक शेर जब आ जाता है अपने दोबारा फॉर्म में तो सारी जगह खलबली हो जाती है, एक दोबारा से वो खलबली लोगों के बीच में देखने को मिल रही है, लोग परेशान हैं, हैरान हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका इस डर का, उसके अंदर क्या डर है, क्या खौफ है, या आपके जितने समर्थक हैं उतना हजूम देखकर लोग डर रहे हैं? मैं तो इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मेरे जाने से कुछ तरह की खलबली मच गई या मेरे जाने से कांग्रेस पार्टी मजबूत हो गई, ऐसी कोई बात नहीं। मैं एक सिंपल कार्यकर्ता हूँ, लोगों का रोष इस सरकार के प्रति है। राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, प्रदेश के मुद्दे अलग होते हैं, स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं। इसीलिए जो पिछले लोकसभा चुनाव में एक राष्ट्रीय मुद्दा था, राष्ट्रीय चेहरा मोदी जी नजर आए, लोगों ने राष्ट्रीय चेहरा मोदी जी पक्ष में वोट दे दिया। अब जहाँ तक प्रदेश सरकार यहाँ की लोकल मुद्दे हैं उनको देखते हुए लोग BJP से भरा है। अगर हम बात करें लास्ट के 5 साल के BJP के कार्यकाल में, थानेसर हल्के में कार्यकाल रहा होगा, लेकिन जनता में इतना रोष है, जनता ये कह रही है कि काम नहीं हुए, तो आप ही ग्राउंड लेवल पर लोगों के बीच में मौजूद रहते हैं, तो कहाँ कुछ खमियाँ नज़र आई आपको थानेसर में कि पुराने विधायक जो हमारे हैं उनसे वो खमियाँ दूर नहीं हो पाई, तो कहाँ एक ग्राउंड लेवल पर हम जानना चाहते हैं हमारे दर्शक कि क्या वो कुछ खामियाँ हैं? देखिए, पहले जो राजा होता था माँ के पेट से पैदा होता था, आज जो राजा है पब्लिक बनाती है, बेल्ट पेपर से होता है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो अपने आप को राजा समझ के चले, लोगों को मिलना नहीं, लोग मिलने जाना तो बिजली दरोजे से निकल जाना। विकास की बात करते हैं, हमने 1140 करोड़ में आगे कर दिए। आज गुरुक्षेत्र की सड़कों को अगर हाल देखोगे तो इतनी बुरी हालत है, अगर 1140 करोड़ लग जाते तो एक नया कुरुक्षेत्र बसाया जा सकता। आज उनके प्रति रोष है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला, किसानों को भाव नहीं मिला, गरीब आदमी महंगाई की वजह से तंग है, तो सरकार और स्थानीय विधायक से दोनों को दूर करा दें। सर, अगर हम बात करें जैसे कि अगर आपको कांग्रेस पार्टी ये जिम्मेवारी सौंपती है थानेसर हल्के से, तो आप कैसा अपना इलेक्शन में क्या कुछ अपने मुद्दे लेकर आएंगे, क्या कुछ रोजना जिम्मेवारी से इलेक्शन में आना चाहेंगे? अगर मेरी पार्टी मेरे में विश्वास करती है, मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाती है, तो मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा युवाओं को रोजगार देना। और
सबसे बड़ी समस्या हमारे युवाओं में जो आ रही है वो है नशे। आज नशा बढ़ता जा रहा है, सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं, केवल और केवल सरकार में बैठे लोग पैसे कमाने में लगे हैं। युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है नशे की वजह से। बढ़ते नशे को रोकना, युवाओं को रोजगार देना और सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कानून व्यवस्था की स्थिति को बंद होना। अगर हम लोग बात करें कि आज हम ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, तो आपको भी पता है जगह जगह जो ये होटल्स में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, आपके मॉल्स वगैरह में मसाज पार्लर के अंदर जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, ये हर प्रशासनिक अधिकारी को भी पता है, लेकिन फिर भी इन पर एक्शन क्यों नहीं हो पाता? सरकार से जुड़े हुए लोग इस धंधे में लिप्त हैं और उनको स्थानीय विधायक का, स्थानीय नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए पुलिस नहीं कर पाती। तो सर, अगर आप सत्ता में आते हैं और यहाँ से आप विधायक बनते हैं, तो क्या आप इन जो गोरख धंधे चल रहे हैं, ये नशे पत्ते का व्यापार चल रहा है, कुरुक्षेत्र एक धर्म नगरी है, इसको बेचा जा रहा है, किस कदर हर जगह हर दुकान पर नशा पत्ता चल रहा है खुलेआम, शाम के टाइम अगर ब्रह्म सरोवर की बात करें, सरेस सरोवर की बात करें, तो सरेआम नशा पत्ता चलता है वहाँ पर, और अगर होटल्स की बात करें शाम के टाइम से ही जिस्म फरोशी का धंधा चलता है, मॉल्स वगैरह में मसाज पार्लर की आड़ में जिस्म फरोशी चल रही है, तो आप इन मुद्दों को किस कदर से ख़त्म करना चाहेंगे? मैंने पहले भी कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी बढ़ते नशे को रोकना, बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालना। अगर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो जाएगी तो जिन बातों का आपने जिक्र किया है ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अरोड़ा साहब, अभी हाल ही में 24 तारीख को कुमारी शैलजा जी का जन्मदिवस है, तो आप किस कदर हमारे दर्शकों के सामने और हमारे चैनल के माध्यम से उनको बधाई देना चाहेंगे? मैं कुमारी शैलजा जी के जन्मदिन पे उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उनकी देख रेख में हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, अच्छी सुरक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले, ये अच्छी शिक्षा मिले, इन चीज़ों की शुभकामनाएं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।